हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टेट्स ऑलराउंडर में। एक्चुअली थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियोस बाहर जाके अभी नहीं डाल रहा था। थोड़ा हार्ट का कुछ प्रॉब्लम आ गया था और फैमिली भी मुझे कॉल ज़्यादा अटेंड करने नहीं दे रही, तो इसलिए मैंने सोचा बैठ के एक वीडियो इंपॉर्टेंट है आपको दे दूँ। गाज़ियाबाद, नोएडा, देहरादून, जेवर, ये चार एरिया कवर कर रहा हूँ शॉर्ट में, जल्द से जल्द जितना हो सकता है। गाज़ियाबाद की जहाँ तक बात है, नया गाज़ियाबाद डेवलप करने का प्लान आ चुका है, ऑलरेडी प्रोसेस में है कई चीज़ें। लोकेशन जो है, जो आपकी वो दुहाई वाली रैपिड मेट्रो है, वो वाली जो लाइन है उसके दोनों तरफ का ये प्लान कर रहे हैं एक्वायर करने का पूरा। वहाँ पर ये पूरी तरह से एक नए गाज़ियाबाद का, नए प्लॉट्स, अपना फ्लैट्स वगैरह सब कुछ ये बनाने वाले हैं, जो गवर्नमेंट का प्लान है बड़ा सीधा सीधा। तो बाइंग करें, फ्री होल्ड में भी थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि उसमें कई ज़मीनें अब जाएंगी जो गवर्नमेंट का प्लान है। इसके अलावा मैं एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो रेट बढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी के, वो बता देता हूँ आपको। जेवर, जेवर की मैंने अभी एक और वीडियो डाली थी, वो वाली द गार्डन सिटी की, मैंने 2 साल पहले भी उसकी डाली थी वीडियो, और बीच में होल्ड बस इसीलिए कर रखा था क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कितना होता है। तो वो हो रहा है, पहले उस टाइम शायद 11,000 की थी, अब 15,500-16,000 का रेट है वहाँ पर। तो वो भी एक ऑप्शन है अगर इन्वेस्टमेंट के लिए, उस पर कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था, देहरादून वाला। देहरादून में अलग अलग लोकेशंस पे मैं जैसे ऑप्शंस लाता हूँ, अभी मेरे पास देहरादून जो मेन सिटी है ना, मैं आई थिंक उसके 4 किलोमीटर के रेडियस में मेरे पास अभी डिटेल आ जाएगी, अप्रूव प्लॉट्स आए हुए हैं, 60,000 रुपये का रेट है लेकिन वहाँ पर, क्योंकि नियर बाई 2 से 4 किलोमीटर का रेडियस है और एरिया भी आर्मी कैंप के नियर बाई है वो एरिया, तो मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी रहेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी नॉर्म्स होंगे उसको फॉलो करके ही वो चीज़ होगी। तो वो डिटेल जैसे ही मेरे पास आती है उसकी डेडिकेटेड वीडियो, और साइट पे जाके भी मैं वीडियो उसकी दे दूंगा आपको। चौथा पॉइंट जो मेरा मेजर लग रहा था, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो है प्रॉपर्टी के रेट्स की। कावड़ के बाद, ये जो कावड़ यात्रा हमारी चल रही है, इसके बाद जहाँ तक है गवर्नमेंट सर्किल रेट्स जो हैं वो 4 गुना कर देगी, जो गवर्नमेंट का प्लान है। इसका सर्वे हो चुका है सारा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो गया, या आपका उधर जीटी रोड वाले एरियाज हो गए, या और इलाके हो गए, कई इलाकों को इन्होंने प्रॉपर सर्वे किया है। 10 से 40,000 जहाँ तक है वहाँ समझ लो 40 से 80 तक का रेट जा सकता है, जो इनका प्लान है सर्किल रेट को ये कर देंगे 4 गुना तक लेके जाएंगे। रीजन बिहाइंड यही है कि भाई 10-20 हज़ार का सर्किल रेट होता था, 1-1 लाख पे जमीन बिक रही होती थी, तो वो कुछ उनको मतलब कह लो रेवेन्यू कह लो या कुछ भी कह लो, सर्वे हुआ तो समझ में आ गया कि हाँ भाई इससे काम नहीं होगा। उन्होंने तय किया हम 4 गुना रेट बढ़ा देंगे इसका। तो कावड़ के बाद इसका नोटिफिकेशन और अनाउंसमेंट आ जाएगी, इसका बेनिफिट बहुत अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि ये तो तय, भले ही वो 4 गुना बढ़ रहे हैं, उधर से फ्री होल्ड वाले भी उस हिसाब से रेट ऊपर चले जाएंगे एकदम। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें बहुत बेनिफिट होने वाली हैं। हाईवे मेंशन की जो मैंने वीडियोस डाली थी उसको लेकर लोग कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपने तो कहा था ये ठीक नहीं है, ये नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बहुत फ्रेंकली बताया चीज़ों को, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से बिजली पानी उधर नहीं पहुंचता है किसी चीज़ पे, फैमिली शिफ्टेड नहीं होती है, तब तक मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। जब मुझे फैमिलीज दिखता आ गई हैं, बस गया पूरा, तो भाई साहब फिर तो गवर्नमेंट को भी तो पता ही होगा ना, प्रशासन को पता होगा, उनके पता हुए बिना तो हो ही नहीं सकता, पूरा सेटअप है। तो ठीक है, अगर वो कह रहे हैं ओके तो ठीक है, चलने दो। तो इसलिए वहाँ पर अब काफ़ी बाइक पूरी पब्लिक बहुत रहने आ गई है, मैंने देखा लगभग पीछे का पूरा इलाका ही भर गया वो पूरा। तो ठीक है, हाईवे के ऊपर है चीज़, उस हिसाब से तो फिर ठीक है, आगे आने वाले तो रेट इसके हाथ में नहीं आने के किसी के, ये सोसाइटी को, इन सोसाइटीज़ के। NH-91 जो पूरा है लाल कुएं से लेके छपरोला तक का, एटलीस्ट कम से कम भी छपरोला तक का, ये तो पूरा गोल्ड में बदलने वाला है पूरा, ये तो कन्फर्म्ड है। क्योंकि वो फ्लाईओवर मैंने बताया था, एक मूर्ति वाला इधर शुरू हो जाएगा, अंडरपास इन्होंने बना लिया जो मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन कह सकते हो आप उसे, और लाल कुआ का लोड कम हो जाएगा इससे, हाईवे चौड़ा कर दें अभी तो। हालांकि अभी मेरे ख्याल में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है प्लस NHAI की लड़ाई चल रही है इस हाईवे के ऊपर, ये हम कर रहे हैं, हम करेंगे, कौन करेगा, वो भी चल रहा है डिस्कशन, तो वो अपडेट भी आ ही जाएगा जल्दी। तो मोटे मोटे ये हैं इन्फॉर्मेशंस। अगर आपको अथॉरिटी के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स अगर वो चाहिए हो अथॉरिटी वाले, तो भी मेरे पे कुछ जगह पे हैं, सेक्टर 18 के पास, 27 के पास, इंदर मार्केट के पास, वहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, आप वो कंसिडर कर सकते हैं। इवन कि गोवा में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, गोवा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है अप्रूव्ड की, वो भी है। तो जहाँ आपको आपके बजट के हिसाब से, अल्मोड़ा की भी आ गई है अब मेरे पास, आपके बजट के हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे जाना है, देहरादून फर्स्ट, जिसमें अल्मोड़ा वगैरह भी आप इंक्लूड कर लीजिए, उत्तराखंड हो गया, गोवा कर सकते हैं,
जेवर कर सकते हैं, अथॉरिटी के प्लॉट में आना है तो यहाँ पर आ सकते हैं नोएडा में। आप इनमें से कहीं भी वर्कआउट कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। और फ्री होल्ड में आना है तो फ्री होल्ड में नोएडा सेक्शन 10 में फिर आप देख लीजिए, आपका छपरोला से जो लाल गोह छपरोला सेक्शन है उसको देख लीजिए, इन एरियाज में आप वर्क कर सकते हैं।